नमस्कार प्राइम ओडिशा को स्वागत कर प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस पर बढ़ुच्च बीजेडी विरोधी आक्रमण कुचिंडारे मुख्यमंत्री गस्त को विरोध करुवा बेले स्लोगान नदेवा कही कांग्रेस कर्मी को आक्रमण कले बीजेडी कर्मी आक्रमण में तीन बीजेपी कर्मी भी आहत किछि दिन तले उड़ीला मां को सम्मान धजिया आंदोलनकारी साढ़ी चिरी तंटी चिपिता पुलिस मंत्री दिव्यशंकर मिश्र को मुहांमुही इस्तफा दाबी सुरक्षाकर्मी गहन में मंत्री सामना को आसी प्रश्न पचारे बीजेपी कर्मी दीपज्योति मुन इस्तफा दियो नहले केमिति हेबो निरपेक्ष तदंत सेपटे कैप्टेन को सालुजा काउंटर आटाक कहले मंत्री स्वच्छ जदि पुलिस पाखे सरेंडर करंतु निज मोबाइल राजनीति में आर्टिकल लड़ी संपादक ममिता प्रसंग में कैप्टेन को सौम्यों टार्गेट पर खबर कागज रे काउंटर माटी पार्टी मिछ व्यक्तिगत स्वार्थ आग छद्म नाम ये अष्टवक्र किए सीधा अटाक नक गणमाध्यम सहारा नहीं कि बीजेडी ममिता को न्याय पर दीपटीए दीपावली में घरे दीप जल्वाई आह्वान देला बीजेपी दल पक्षर पोस्टर जारी एपटे कैप्टेन को कांग्रेस टार्गेट मंत्रिमंडल दिव्यशंकर को बहिष्कार राज्य सरकार को दस दिन समय देला दल आसंता बारे कांग्रेस ओडिशा बंडा करा ग्लास्को सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन मोदी बड़ आह्वान क्वालिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कले उद्घाटन कहले छोट द्वीप समुदाय उपरे क्लाइमेट चेंज रही अधिक विपद नेबाकु पड़िबो दीर्घ मियादी पदक्षेप कथा दे कथा रखिले केन्द्रमंत्री पिंक और टेम्पल सिटी मध्यरे विमान सेवार शुभारंभ ज्योतिरादित्य कहले दिल सह जोड़ीला अर्थनीति धर्मेन्द्र उठाइले ओडिशार उपांत इलाके ड्रोन व्यवहार दाबी वो राजधानी रे चांचल्य भुवनेश्वर कलिंगनगर अंचल रे डबल मर्डर पुओ स्त्री को स्वामी हत्या करितिबा अभियोग घटनास्थल रे तमांडो थाना पुलिस रो छानबीन बढ़ुची बीजेडी रो विरोधी आक्रमण कुचिंडारे मुख्यमंत्री गस्त को विरोध करी कला पताका प्रदर्शन करुवा बेले कांग्रेस कर्मी उपरे बीजेडी कर्मी करिछंती आक्रमण खाली कांग्रेस काहेकि ए आक्रमण बीजेपी कर्मी उपरे मध्ये होईछि तीन जन बीजेपी कर्मी आहत होईछंती किछि दिन तले उड़ीला मां को सम्मान धजिया देखंतु रिपोर्ट बढ़ुची बीजेडी रो विरोधी आक्रमण केतेबेले महिलांक चिरुची साड़ी ओ ड्रेस आंदोलनकारी तंटी मध्य चिपा हो दृश्य कुचिंडार मुख्यमंत्री गस्त को कला पताका देखा विरोध प्रदर्शन करुले कांग्रेस एक टीम ठीक यही समय 40 रु 50 बीजेडी कर्मी सेठे पहुंची स्लोगान देवा मना करते अचानक कांग्रेस कर्मी आक्रमण कर खोलाखोली बीजेडी गुंडाराज कांग्रेस कुचिंडा निर्वाचन मंडली युव सभापति जयंत किसान को करते मरणात आक्रमण गुरुतर अवस्था जयंत को प्रथमे कुचिंडा डाक्तरखाना एवं परे बुर्ला को स्थानांतर करा खाली कांग्रेस काहीकि बीजेपी कर्मी को छाड़ी ना प्रतिवाद विरोध प्रदर्शन बेले तीन जन बीजेपी कर्मी आक्रमण हो ए प्रकार कांड घटी जो प्रकार माड़ मारी आज हस्पिटाल अच्छा आज मुंड फाटी ए प्रकार परिस्थिति खड़ा कर तो से दृष्टि नहीं आसंता काली आम छन तारीख आम छु छ बंद डाकरा दौ भारतीय जनता पार्टी तरफ चश्मे कहली आगे जो सामने कही कि मोर हाड़ा जिंदाबाद बोल कर पूरा गुंडा बगे लोग आसिक मतलब पिटी पकाले कि भी गुंडा कर दे नहीं हुए जनता मुझे भी चाहिए किसी कर पारे थी लेकिन ठीक है मोर भूल है मैं कहीदेली बाकी एंता नहीं कर लगातार भाव एपरी आक्रमण बढ़ी चली किछि दिन तले उड़ीला माँ को सम्मान धजिया सरकार विरोध में आंदोलन करिबारु पुलिस तिरिला महिला साड़ी और ड्रेस महिला नेत्री को पुलिस लगाई करागला क्षताक्त नवीन निवास घेराव समय रे बीजेपी रो नेत्री मानकु केमिति व्यवहार करुछि कमिश्नरेट पुलिस साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंहार को केमिति बैरिकेड मध्यरे
घेराबंदी करी रखा जाई। कांग्रेस नेत्री को मध्य समान व्यवहार होइथिबा अभियोग। कांग्रेस नेत्री ड्रेस चिरीबा सह तांकर ओढ़णी को पुलिस ने जाइथिबार संगीन अभियोग। ए दृश्य हेउछि केन्दुझर रो पुलिस माड़े आंदोलनकारी लहुलुहान। दिव्य शंकर इस्तफा दाबी रे एसपी ऑफिस घेराव समय रे गोड़ाई गोड़ाई पीटी थिला पुलिस। माड़ एमिती होइथिला जे आंदोलनकारी मुंड फाटी जाइथिला। बीजेपी महिला मोर्चा कर्मी सहित पुलिस रो धस्ताधस्तीर दृश्य देखा मिलता। ठीक आसी आंदोलन करने को शांतिपूर्ण भाव में कितु जेहेतु आम देखल आम पक्षपटू लाठीचार्ज है आम नेता मैंने उठेकि निला तेज आम उग्र रूप धारण कलु कि उग्र रूप धारण भितर आम बारिकेड भांगलु। बारिकेड भांगला जेन्ट्स पुलिस मैंने आम उपरक हाथ उठेले। ए दृश्य अनुगुल बीजेपी महिला मोर्चा नेत्री मंजुलता साहू को विजु जुव जनता दल गुंडा द्वारा मरणातक आक्रमण। बीजेपी महिला मोर्चा नेत्री मंजुलता साहू मृतक परिवार को समवेदना जनवाई जाता बेले डाक्तरखाना परिसर में बीजेडी नेता अविनाश परिडा मरणातक आक्रमण करते मंजुलता गुरुतर अवस्था मुख्य चिकित्सालय में भर्ती करा जाइथिला। दोषी के अरेस्ट कराइनि विजु जनता दल कर्मी अरेस्ट करना जड़े महिला को मरणातक आक्रमण कले गोटे महिला को मारिदेले प्रशासन पुलिस कालस भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा कर एठी तुरंत ताकु दाबी पत्र दबो एवं तांको विरुद्ध रे कार्यनुष्ठान आक्रमण पर आश्वासन देबे। ए हेउछि ब्रह्मपुर दृश्य केमिति जने विक्षोभकारी सह पुलिस व्यवहार करिछि नजर पकांतु। आंदोलनकारी तंटी चिपिबा को भी पछाई नाही पुलिस। काही कि पुलिस रो एपरी व्यवहार पई किए देछि निर्देश। केते बेले बीजेडी कर्मी बीजेडी गुंडा साजुछंती आउ केते बेले प्रतिवाद बेले करुछंती आक्रमण। एपरी व्यवहार कौन निज दलर मंत्री को घंट घोड़ाइबा पाई एबे एही प्रश्नर उत्तर खोजा चली छे। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। राजनीति रे आर्टिकल लड़े संवाद बनाम सकाळ समय रंजन बनाम अष्टवक्र ममिता मेहर प्रसंगे निज दल नेतृत्व और राज्य गृहमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्रों पर हमला करौम्यों पर शाणित तो आक्रमण तेज यही अष्टवक्र किए ताक प्रश्न उठी बेले बीजेडी नेता मैंने सौम्यों सीधा सीधा आटाक कर पार्नवाबले एवं गणमाध्यम साहारा नहीं कि बीजेडी यह उठी बड़ प्रश्न। आर्टिकल लड़ई बीजेडी वरिष्ठ नेता सौम्यरंजन पटनायक दलर नेतृत्व को आर्टिकल माध्यम रे अटैक करथिबा बेले सौम्य को एबे काउंटर अटैक करा जाइछि। आर्टिकल रे दैनिक संवादपत्र सकाळ रे मुखा तलर मुह शीर्षक लेखा रे सौम्य को करा जाइछि संडुआसी आक्रमण। एले संवादपत्र माध्यम रे सौम्य को आक्रमण करा जाइथिबा बेले लेखक किंतु छद्म नाम रे रहिछंती आउ ए लेखा प्रथम स्तंभ होता बेले अष्टवक्र ना उल्लेख हो राजनैतिक महल रे बेस चर्चा होष्टवक्र किए माटी पार्टी वृत्ति बनाम माटी पार्टी मिछ व्यक्तिगत स्वार्थ आगरे सौम्यरंजन को सीधा सीधा आक्रमण गणमाध्यम बीजेडी नेता मैंने सौम्य को सीधा सीधा अटाक कर पार्नवा बेले एवं गणमाध्यम सहारा नहीं कि बीजेडी यहाँ नहीं राजनैतिक महल रे बड़ प्रश्न। पूर्वरु बीजेडी रा अनेक नेता आर्टिकल माध्यम रे बीजेडी भितरे बोमा फुटाई थिबा बेले सौम्यंको पई कोनो नुआ स्ट्रेटेजी की याकु नै उठिछि प्रश्न। बीजेडी रा एही पीरियड सौम्यंको अटैक करिया पई तांको ससुर तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री जानकी पटनायक एकता जे मंतव्य दैथिले एकता कहि करा जाइछि समालोचना। जे व्यक्ति गोटे कोठरी मध्य स्थिर भाव रे बसी पारु नाही घड़ी की घड़ी चौकी रा मुह बदलाइछि से जीवन रे लक्ष्य स्थल रे केबे भी पहुंची पारिबो नाही। निज स्वार्थ लगे आपणार लोक भी पर करहूर्त लगे गरीब चिटफंड जमाकारी विश्वास को भांगी चाषी प्रेस्टीज प्राइस पेंशन को सीढ़ी कर क्षमतार अलींदर निकटवर्ती राजनैतिक स्वार्थ हासिल करवा अति साधारण कथा। राजनीति और निज प्रतिपत्ति लगी कि संवादपत्र संपादक
गणमाध्यमको अस्त्र भाबे व्यवहार करुछन्ति। आउ माटी पार्टी वृत्ति कथा कहुथुबा विरल मनीष पार्टीर किंबा माटीर होइपारंती नाही। आउ सेमानंकर मुखा तळर थिबा चेहरा पई सेमानंकु इतिहास क्षमा देबा नाही। पूर्वरु दैनिक संवादपत्र संवादर आम घरर हालचाल लेखारे ममिता प्रसंग उठाई सरकारको उपरे बर्षिथिले सोमरंजन पटनायक। आउ कैप्टेन देइथिबा बिबृतिकु नै सरकारको आगरे रखिथिले 10टी प्रश्न। प्रश्न नंबर एक, गृहमंत्री दिव्यशंकर मिश्र ममिता हत्याकांड रे दुखित और मर्माहत कहते जड़े बापा हिसाब रे घटना को व्यथित करुची कहते ममिता घर को कौन पाई एजाए गले दिव्यशंकर। प्रश्न नंबर दुई, वायुसेनार कर्मचारी भाव निजे आहत हे बर अं को क्षति देवे ना बोली दिव्यशंकर बृत्ति ममिता मेहर हत्याकांड घटन किए दुख पाई किए क्षतिग्रस्त हो सशस्त्र बाहन लड़ुआ सैनिक साहस और बलिदान आदर्श कुआडे गला। प्रश्न नंबर तीन, मंत्री कौन जानी ना से गृह राष्ट्रमंत्री थी जाए घटनार निरपेक्ष तदंत हो पार ना। प्रश्न नंबर चार, हॉस्पिटल अग्निकाण्ड घटन जदि अतनु सब्यसाची नायक इस्तफा देते हैं कलेज प्रसंगे दिव्यशंकर प्रति अन्य मापदंड लागू हो ना कि। प्रश्न नंबर पांच, मंत्री गणमाध्यम को नैतिकतार कथा कहता बेले नैतिकतार मूल्यबोध कौन गोटे पक्ष पाई कि निज पक्षर मूल्यबोध कुआडे गला। प्रश्न नंबर छ, प्रमाण हेले मंत्री पदरु सन्यास नेवा कथा कहते तत्कालीन रेलमंत्री लालबहादुर शास्त्री केन्द्र मंत्रिमंडल इस्तफा देते अतनु सब्यसाची नायक राज्य मंत्रिमंडल इस्तफा देते एम विरोध में कौन प्रमाण थिला? प्रमाण खोजा दायित्व पुलिस ना साधारण नागरिकों। प्रश्न नंबर सात, मनीष असहाय हेले भगवान शरणापन्न हुए मंत्री दिव्यशंकर मिश्र माँ माणिकेश्वरी को सपक्ष में नेवाक भूली ना मंत्री सपक्ष में एत बड़ बड़ लोक थे मंत्री असहाय मन कर। प्रश्न नंबर आठ, जदि बिवादियों होइथिबा मंत्री सरकारी कार्यक्रम को गले नहीं तेबे से मंत्री सभा रे रहिबे केमिति। प्रश्न नंबर नौ, खुद गृहमंत्री दिव्यशंकर मिश्र सरकारी बासभवन ने न रही अन्य बंधुक घरे रहउछंती जदि जने राज्यर गृहमंत्री असुरक्षित ताहाले से अन्य को सुरक्षा देबे किभळी। प्रश्न नंबर दस, अतनुंक बेले गोटे मापदंड आउ दिव्यशंकर समय आउ एक मापदंड लागू हेला भळी लागू हेउना कि। सोमरंजन कई आर्टिकल को नहीं बीजेडी कौनसी तुंग नेता किंबा मुखपात्र गणमाध्यम ने मुह खोली नथिबा बेले केवल पूर्वतन विधायक अनुभव पटनायक सोशल मीडिया रे खोली थिले मुह आउ एबे संवाद पत्र रो अष्टवक्र किए ताहा बड़ प्रश्न। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। तेबे सोम्यों का आर्टिकल उपरे सकाळर काउंटर अटैक ने प्रतिक्रिया रखिछंती बीजेपी कांग्रेस ओ बीजेडी। माटी पार्टी वृत्ति एथिरे सर्वप्रथम होउछि माटी बड़ समस्तंग पई तेनाली जो लेखाटी लिखिंट कौन सी जगह कह रहा फ्रस्ट्रेसन मु तो कहीं देखिपी मुझे भावुची गोटे अति उत्तम लेखा ताकु कभर फायर करने जो विजु जनता दल नेता मैंने आसुच्चे मन पकात जो अंजना मिश्र घटना घटी से समय नवीन बाबू भूमिका कौन थी विजु जनता दल भूमिका कौन थी सौम्य बाबू जो लेखा बीजेपी अड़ुआ बड़े बीजेपी बड़ खिलाट संध्या खिला इंग्लीश गोटे वर्ड जे एल टी जा लेखा तार जे एल टी हेले ताकर पेपर माध्यम रे वार चल इन फाइटिंग कथा नुह ये आपस मिलामिशार कथा आपस समाधान कथा ये निर्भर करछि नेतांगो उपरे केते दूर तंग काहाकू कन्विंस करके केमते करिवा कथा सेटा इन फाइट नुह। खबर चल रहइबो समाचार का ब्रेक रो। ग्लास्को सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन ने मोदी बड़ आह्वान स्कॉटलैंड में चली कॉप 26 शिखर सम्मेलन द्वितीय एवं शेष दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत जलवायु कार्य एजेंडार एक रिपोर्ट निज संबोधन मध्यम जनाई संबोधन ने भारत में जलवायु परिवर्तन दिगरे कराउथिबा प्रयास और यार सकारात्मक फलाफल को विश्व समुदाय सम्मुख में रखिछन्ति प्रधानमंत्री। ग्लास्को सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन ने मोदी बड़ आह्वान जलवायु परिवर्तन विश्व पर सृष्टि करिछि समस्या कोअलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर उद्घाटन छोट द्वीप समुदाय उपरे अधिक विपद जीवन सहित अर्थनीति मध्य संकट रे। एक्सीलेंसीज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स आईरिस का लॉन्च
एक नई आशा जगाता है, नया विश्वास देता है। ये सबसे वल्नरेबल देशों के लिए कुछ करने का संतोष देता है। मैं इसके लिए कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI को बधाई देता हूं। इस महत्वपूर्ण मंच पर मैं ऑस्ट्रेलिया और UK समेत सभी सहयोगी देशों और विशेषकर मॉरिशस और जमैका समेत छोटे द्वीप समूहों के लीडर्स का स्वागत करता हूं। स्कॉटलैंड ग्लासगो ठारे चलीबा COP26 शिखर सम्मेलन द्वितीय एवं शेष दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत जलवायु कार्य एजेंडार एक रिपोर्ट निज संबोधन मध्यम जनाई संबोधन में भारत में जलवायु परिवर्तन दिगरे करा प्रयास और यार सकारात्मक फलाफल को विश्व समुदाय सम्मुखें रखिंट प्रधानमंत्री। जलवायु परिवर्तन एक बड़ विपद, एपरी कौन देश नहीं जहां जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रभावित होना। गत किछि दशंधि धरि प्रमाणित होइछि जलवायु परिवर्तन प्रभाव जे कोनसी विकसित राष्ट्र हेउ किंबा क्षुद्र राष्ट्र समस्तक पई एक बड़ विपदरे परिणत होइछि, किंतु विशेष भाबरे छोट द्वीप समूह राष्ट्रगुडिक पई एही जलवायु परिवर्तन रा प्रभाव अधिक भयंकर अनुभूत हेउछि। केवल जीवन जीविका नुहे एहा सहित अर्थनैतिक स्तर रे मध्य एही छोट द्वीप समूह संकट मध्य रे गति करछन्ति। तेणु CDRI रो उद्घाटन एही छोट द्वीप समूह पई अत्यंत सहायक हेबो। पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि क्लाइमेट चेंज के प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो विकसित देश हो या फिर प्राकृतिक संसाधनों से धनी देश हो, सभी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इसमें भी क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक खतरा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स सीड्स को है। ये उनके लिए जीवन मृत्यु की बात है, ये उनके अस्तित्व के लिए चुनौती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आई आपदाएं उनके लिए सचमुच प्रलय का रूप ले सकती है। ऐसे देशों के क्लाइमेट चेंज न सिर्फ उनके जीवन की सुरक्षा के लिए बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती है। भारत स्पेस एजेंसी इसरो क्षुद्र द्वीप विकासकारी राज्य बा सीड्स पाई एक स्वतंत्र डाटा विंडो सृष्टि करिबो। एहा सहित सीड्स उपग्रह माध्यम रे झड़ बात्या कोराल रीफ मॉनिटरिंग कोस्टल मॉनिटरिंग इत्यादि विषय रे ठीक समय रे सूचना पाई परिबे। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो सीड्स के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो को निर्माण करेगी। इससे सीड्स को सैटेलाइट के माध्यम से साइक्लोन कोरल रीफ मॉनिटरिंग कोस्टलाइन मॉनिटरिंग आदि के बारे में टाइमली जानकारी मिलती रहेगी। छोट द्वीप विकासशील राष्ट्र गुड़ी करे जलवायु परिवर्तन हेबार आशंका करी भारत प्रशांत महासागर द्वीप एवं कारिकम देश सह सहयोग पाई स्वतंत्र व्यवस्था करिछि और सेमानक नागरिक मानंकु प्रजुक्ति विद्यारे तालीम मध्य दिया जाउछि। पूरा विश्वर विकास रे भारत निरंतर योगदान करि आसीछि बोली एहि संबोधन रे कहिछन्ति प्रधानमंत्री मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट अगस्त न्यूज। अच्छा परवर्ती खबर को मंत्री दिव्यशंकर मिश्र को मुहांमुही इस्तफा दाबी। सुरक्षाकर्मी गहन में मंत्री सामना को आसी प्रश्न केबे इस्तफा देबे नहले केमिति हेबो निरपेक्ष तदंत। सेबडे कैप्टेन को सफेई को नहीं काउंटर आटाक करिछंती कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा कहिछंती मंत्री जदि निजक स्वच्छ बोली भावुछंती तेबे पुलिस पाखरे तांको मोबाइल को सरेंडर करंतु एवं गोविंद कॉल डिटेल्स सार्वजनिक करा जिबा नै दाबी करिछंती सालुजा। इस्तफा दियो नहले निरपेक्ष तदंत हेबो केमिति मुहामुहि मंत्री इस्तफा दाबी। ए प्रश्न केवल बीजेपी युवमोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दीपज्योति मुंडकर नुहे, यह पूरा राज्यवासी। ममिता मेहर हत्या मामलें गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्रा नाँ रही संगीन अभियोग। ममिता बापा अभियोग जे मोहाली कॉलेज को बराबर आसुले मंत्री
ଯେଉଁଠି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବିବାଦରେ, ସେଠି ଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହେବ କେମିତି? ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ। ଭବାନୀପାଟଣାର ମହାବୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଦୀପଜ୍ୟୋତି, ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବି ହତବାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଯାହା ଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ବି ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ 15 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବି ପଚାରିଲି ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଲେଟ୍ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏତେ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଲେଟ୍ କରିବା ମାନେ ହେଲା ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯଦି ଏଇ କଥା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ 15 ଦିନ ବି ଲାଗୁ, ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ ଦେବି, ଆଉ ଯଦି ହେଲେ ଯଦି ବାହାରୁଛି ବୋଲେ ମୋତେ ଫାଶି ଚଢ଼େଇଲେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ, ଇସ୍ତଫା କେବେ ଦେବେ, ହେଲେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ସଫେଇକୁ ନେଇ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ସାଲୁଜା, କହିଛନ୍ତି ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କଲ୍ ଡିଟେଲ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଏଥିସହ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା 3ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ମମିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନର କଲ୍ ରେକର୍ଡ ସହ ମେଳ କରାଯାଉ। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର କଲ୍ ରେକର୍ଡକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସାଲୁଜା। ବିଧାୟକ କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜି ଯେଉଁ ଆକ୍ଷେପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଯେଉଁ 20ରୁ 23 ତାରିଖ କଥା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଁ ରାୟପୁରରେ ଥିଲି, ମୁଁ 21 ତାରିଖ ରାତିରେ କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜିରେ ଥିଲି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୋ ମୋଟୋ ନିଜର ମୋବାଇଲ ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ 4 ଦିନରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି କି ହେଇନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁଠି ବିରୋଧ, ସବୁଠି ଇସ୍ତଫା ଦାବି। ପରଙ୍ଗ ଯିବା ବାଟରେ ଗୁଣ୍ଡା ଛକଠାରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 2:30 ବେଳେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ା କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସ୍ଲୋଗାନ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ସହ କୁମାର ମଣିଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଖବର ଜାରି ରହିବ, ସମୟ ଛଅ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ର। କଥା ଦେଇଥିଲେ କଥା ରଖିଲେ, ଅଧିକ ନିକଟତର ହେଲା ପିଙ୍କ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି। ଭର୍ଚୁଆଲି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ। ପୂର୍ବରୁ ଚିଠି ଲେଖି ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଅବସରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାଇଲଟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ନେବାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପିଙ୍କ ସିଟି ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମଧ୍ୟରେ କମିଲା ଦୂରତା, ଧନ୍ତେରାସରୁ 2 ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା ରଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ। ଅଧିକ ନିକଟତର ହେଲା ଗୋଲାପୀ ଓ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର। ଭର୍ଚୁଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖାଇଲେ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ। ବିମାନ ସେବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ 2 ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ କି ହୃଦୟ ନୁହେଁ, 2 ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ କେ ପୂର୍ବୀ କ୍ଷେତ୍ର एक गोल्डन ट्रायंगल भुवनेश्वर है, वहीं हम उत्तर भारत के पश्चिमी क्षेत्र के गोल्डन ट्रायंगल आगरा जयपुर और दिल्ली के साथ एक दिलों का कनेक्शन नागर विमानन क्षेत्र के साथ हम लोग जुड़ा रहे। मैं बधाई देना चाहता हूं खास करके और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान जी को और अश्विनी वैष्णव जी को। तो सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अनूठा उदाहरण इस फ्लाइट के जरिए भी हम देश में प्रदर्शित कर रहे हैं। ସେହିପରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟ ମିଶନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକାଶ ପଥରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଜୟପୁର ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତାହରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଦ୍ୱାରା ତିନିଥର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ହେବ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗୋଲାପୀ ସହର ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। आपकी हाथों में उड़ीसा की सिविल एविएशन सेक्टर में और अच्छा होगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। मैं उड़ीसा की ओर से आपको पुनः आभार प्रकट करता हूँ। महाप्रभु जगन्नाथ जी की आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहेगा। प्रधानमंत्री जी की नाम और आप और बढ़ाओगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ीसा और राजस्थान दोनों टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है, तो मेरे मन में बार बार एक बार आती थी एक बात कि जो टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं राजस्थान घूमने के लिए, क्यों ना वो उड़ीसा भी जाए। इसलिए मैं माननीय सिंधिया जी के पास मेरे ख्याल से कम 10-15 बार आपको रिक्वेस्ट करता रहा, आपको पुश करता रहा और इतना परस्यू किया, कई बार आप इरिटेट भी हो जाते थे, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको हमारा सम्मान रखा, उड़ीसा का सम्मान रखा और इस फ्लाइट को आपने डायरेक्ट कनेक्टिविटी जयपुर से भुवनेश्वर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी की। पूर्वरु सेप्टेम्बर 17 रे केन्द्रमंत्री को चिट्ठी लिखिथिले धर्मेन्द्र प्रधान। भुवनेश्वर जयपुर विमान राति 9:20 रे उड़ान भरिब। सेहिपरि जयपुर रु संध्या 6:30 रे भुवनेश्वर अभिमुखे आसिब। सेहिपरि उपांत अंचल रे ड्रोन टेक्नोलोजी कथा उठाइछन्ति केन्द्रमंत्री। ड्रोन माध्यम रे जनजाति संप्रदाय को विभिन्न सेवा जोगाइबाकु ओडिसा को पायलट राज्य भाबे नेबाकु विचार करबा एवं बेसामरिक विमान चलाचल और रेल विभाग मिलित उद्यम रे ओडिसार जैविक कृषि को विश्व बाजार को पहुंचाइबार उद्यम आवश्यक थबा कहिसेंति केंद्रमंत्री। प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प का एक नीति निर्धारक अभी आप बन चुके हो, नया पॉलिसी ले आए हो ड्रोन पॉलिसी के नाम पे। सिंधिया जी, कोरापुट जिला आपकी पुराने राज्य मध्य प्रदेश की बस्तर से सटा हुआ इलाका है, निकट में भाईजाग सिटी है, उस जिले में इतनी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, इतनी बढ़िया ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, आम कहिए, वेजिटेबल कहिए, पल्सेस कहिए, ये सारा चीज की आज के दिनों में पोस्ट कोरोना की वर्ल्ड में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उसकी प्रीमियम वैल्यू क्या है, आप ज्यादा जानोगे। इसमें ड्रोन एक नया क्रांति लेके आ सकता उस गरीब आदिवासी जिला में। शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल थे केन्द्रमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव, सांसद अपराजिता षडंगी, सुजीत सिंह, सस्मित सामल और अशोक पंडा प्रमुख शामिल होते। ब्यूरो रिपोर्ट, अगस्त न्यूज।